हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप। भावना गुडफील में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए कैप्सिकम, शिमला मिर्च लेकर आई हूँ। और अभी मैं बनाने जा रही थी शिमला मिर्च, तो सोचा इसकी रेसिपी भी आज आपके साथ में शेयर करूँ। तो कैप्सिकम लिया है मैंने, ये 1/2 kg है, और ये 1/2 ही लिया है मैंने ऑनियन। ऑनियन ऑप्शनल है, आप इसमें डालें या ना डालें ये आपके अकॉर्डिंग है। और ये कैप्सिकम लिया है, तो मैं कैप्सिकम की आज इतनी बढ़िया सब्जी बना के दिखाऊंगी, बहुत ही कुरकुरी, चटपटी, मसालेदार। तो सबसे पहले कैप्सिकम को हम करेंगे कट। तो आप इसे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कट कर लीजिए, आप जिस तरह से भी इसके चाहते हैं, छोटे पीसेस, बड़े पीसेस। तो सबसे पहले इसका जो सेंटर वाला जो इसका डंठल निकाल देंगे, और मैं इसे सिर्फ 4 पीस में कट करूँगी। तो मैं इसके ओनली 4 पीस करूँगी इस तरह से। तो मैं इसे काट लेती हूँ। के बाद मैंने ये ऑनियन लिया है, तो ऑनियन को भी मैं लंबी स्लाइस में काट लेती हूँ। ये ऑप्शनल है, आप अगर इसके साथ इसे डालें या ना डालें। ओके, तो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें। तो मैंने ऑनियन काट लिया है, तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के लिए मैंने फ्लेम चालू कर दिया है, इस पर कढ़ाई रख दी। कढ़ाई में डाल दिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल, तो ऑयल गर्म होने वाला है। तो मैंने लिया है ये 1/2 स्पून लिया है मैंने अजवाइन। अजवाइन डाल देती हूँ, और अजवाइन डालने के बाद में थोड़ा सा मैंने इसमें हींग लिया है, हींग डाल देती हूँ और इन दोनों को कर लेती हूँ हल्का गोल्डन। तो अजवाइन और हींग होगी हल्की गोल्डन। तो मैंने ये चॉप किए हुए इसमें ऑनियन थे, ऑनियन डाल देती हूँ और इनको मैं हल्का सा पका लेती हूँ। तो मैं इनको डाल दूंगी और इनको हल्का गोल्डन कर लेती हूँ। 4 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पर, तो देखिए हल्का गोल्डन हो गया है ऑनियन, देखिए आपको दिखा देती हूँ। और इसके छल्ले भी अलग अलग हो गए हैं। और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें हल्दी, डाल देती हूँ 1/2 स्पून। हल्दी डालने के बाद में जस्ट मैं इसमें डाल दूंगी ये कैप्सिकम। और कैप्सिकम डालने के बाद में आइए हल्दी चला लेती हूँ, क्योंकि हल्दी नीचे है वो जल सकती है। तो मैं सबसे पहले इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो इस सब को मैंने मिक्स करने के बाद में ये लिया है मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने ये अचार मसाला, और ये होममेड है, ये इसे मैंने घर पर ही बनाया है। अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी जानना, तो आप मेरे चैनल पर इसे चेक कर सकते हैं, इसका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये लिया है मैंने अचार मसाला, डाल देती हूँ। और 1 चम्मच लिया है मैंने ये कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, और ये थोड़ी सी ली है मैंने रेड चिली पाउडर, क्योंकि कैप्सिकम शिमला मिर्च तीखी नहीं होती है, ये थोड़ी फीकी होती हैं, तीखापन नहीं होता है इसमें। तो मैं इसमें तीखापन लाने के लिए रेड चिली पाउडर डाल देती हूँ थोड़ा सा। और ये लिया है मैं सॉल्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। और इस सब को मैं कर देती हूँ अच्छे से मिक्स, और मुझे इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और इस सब को मिक्स करने के बाद मुझे इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे 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 इस ऑयल में ही इसे पकाना है। तो मिक्स करने के बाद में मैं ढक्कन डाल देती हूँ इसका, और बिल्कुल फ्लेम अपना कर दूंगी लो, और इसे पकने देती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं इसे लो फ्लेम पर पकते हुए, तो चेक करती हूँ मिर्ची और दिखाती हूँ आपको पास लाके। देखिए मैंने अपना फ्लेम बिल्कुल लो कर रखा है, आपको लो पर ही पकाना है। अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो बिल्कुल एकदम ये गीली गीली हो जाएंगी, कुरकुरी नहीं बनेंगी, मसालेदार नहीं बनेंगी, और जल्दी ही खराब हो जाएंगी। और इस तरह की सब्जी जब बना रहे हैं आप, तो ये करीब 8-10 दिन आराम से चलने वाली है। तो मैं अब इसमें फाइनली डालूंगी ये मैंने लेमन जूस लिया है, 1 नींबू का रस लिया है ये मैंने फ्रेश। और अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हो। तो मैंने इसमें डाल दिया है नींबू का रस, और मैं इसे अब ढक्कन खोल कर ही पकाऊंगी जब तक ये कुरकुरी नहीं हो जाती हैं। इस तरह खोल कर पकाते हुए मुझे हो गए हैं 3-4 मिनट, और इसमें जो भी मैंने लेमन जूस डाला था वो भी सूख चुका है, और इसका जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो सब जल चुका है। आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास शिमला मिर्च की सूखी सब्जी बनके रेडी हुई है। आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और इसका जो अचार का जो मसाला है उसमें अजवाइन, मेथी, सौंफ, कलौंजी और बहुत सारे इसमें इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, जो बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आने लगी है। और आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। तो मैं अपना फ्लेम कर देती हूँ बंद और इनकी करती हूँ प्लेट।
और इसकी कर लेती हूँ मैं एक कटोरी में पलट लेती हूँ इनको। और देखिए बहुत ही कुरकुरी चटपटी मसालेदार शिमला मिर्च बनके रेडी हुई है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार। अगर आप आए हैं मेरे चैनल पर नए नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। ओके देखिए बहुत ही बढ़िया शिमला मिर्च बनके रेडी हुई है। आप इनको फ्रिज में लगा दीजिए, 8 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। और जब भी आप खाना बनाएं तो खाने के साथ सर्व कीजिए, इसे एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी है। जो भी इसे खाएगा आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। और ये बहुत ही चटपटी बनी है। और आपको इस अचार मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर इसे देख सकते हो। इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मसाले डाले हैं मैंने जो इसकी खुशबू को बढ़ाए हुए हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, बाय, सी यू।